अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज है 18 सितंबर और रात के 8 बज चुके हैं। और आज रबीउल की 2 तारीख है, यानी 2 रबीउल है। और मैं बुलंद दरवाजे के सामने हूँ, देख सकते हैं आप लोग बुलंद दरवाजे के सामने का क्या माहौल है। तो मैं यहाँ से पूरी ज़ियारत करवाते हुए आप लोग का अंदर तक ले चलूँगी। और आज चल करके देखते हैं कि 2 रबीउल का जो माहौल है आज का गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में वो कैसा है। तो आप लोग जो ब्लॉग को है कहीं भी इन मत कीजिएगा, आप लोग ब्लॉग को जो है पूरा देखिएगा ताकि पूरा माहौल आप लोग देख पाइए। और देख सकते हैं मैं बुलंद दरवाजे के करीब आ गई हूँ और यहाँ का मंजर आप लोग देख सकते हैं कि अभी का कैसा माहौल है। और रात के जो अभी है 8 बजने वाले हैं, 8 बजने में भी 5 मिनट कम है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बुलंद दरवाज़ा है, ये गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में जाने का जो है ये एक नंबर गेट है। तो यहाँ से मैं चलती हूँ, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ में ज़्यारत कीजिए। अंदर चल के देखते हैं अंदर का क्या माहौल है। और देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह दरगाह शरीफ के अंदर में आज काफ़ी रौनक है। और इस टाइम पे भीड़ भाड़ जो है कम दिख रही है क्योंकि अभी नमाज का वक्त होने वाला है। तो इस टाइम पर आज भीड़ कम दिख रही है। तो यहाँ से मैं चलती हूँ अंदर की तरफ में और चल कर देखते हैं अंदर का क्या माहौल है। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को जो है पूरा देखिएगा। और माह रबीउल का महीना है तो आप लोग दरूद शरीफ भी पढ़ते रहिए। और देखिए मैं इधर से चल रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से अभी सामने गरीब नवाज का जो गुंबद शरीफ है वो नज़र आएगा। और इस तरफ है आगे जाकर यहाँ पे अकबरी मस्जिद है, मैं किसी दिन उसकी ज़्यारत करवाऊँगी आप लोग को। और चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग गुंबद शरीफ जो यहाँ से दिख रहा है। और अभी देख सकते हैं आप लोग पूरी लाइट वगैरह जो है ना हर जगह लगाया जा रहा है, रबीउल की तैयारी चल रही है दरगाह शरीफ के अंदर में। और देखिए यहाँ से गरीब नवाज का गुंबद शरीफ जो है दिख रहा है। और देख सकते हैं आप लोग अभी इस टाइम पर जो है भीड़ भाड़ जो है कम है लेकिन दरगाह शरीफ के अंदर रौनक काफ़ी है। यहाँ से मैं आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से गरीब नवाज का गुंबद शरीफ जो है कितना खूबसूरत दिख रहा है आज, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोगों से मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ ब्लॉग को जो आप लोग इन मत कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा ताकि आप लोग पूरा माहौल देख पाइए। और मैं बिल्कुल आप लोग को आराम आराम से हर एक चीज़ दिखाते हुए ज़्यारत करवाते हुए चलती हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं चल रही हूँ इधर से, वजू खाना सामने है, मैं वहाँ भी चलूँगी आप लोग को। और ये देखिए बड़ी देख के पास मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और इधर से मैं चल रही हूँ, ये देखिए सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बाहर का वजू खाना है, देख सकते हैं आप लोग। मैं करीब से भी चल करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और इधर पे लंगर खाना है जो आप लोगों को ये दिख रहा है, यहाँ फूल की दुकान दिख रही है इसको, यहाँ पे ये है लंगर खाना, यहाँ पर लंगर की लाइन भी लगती है। और इधर में देख सकते हैं आप लोग फूलों की दुकान है। और इसको पता नहीं क्या कहते हैं तो मुझे मालूम नहीं, इसके अंदर मैं चिराग जलता हुआ देखती हूँ। और ये बड़ी देग है, बड़ी देग का मंजर इस वक्त का आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं ऊपर से तो आप लोग को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं अभी आप लोग का अंदर चलती हूँ और अंदर से सबसे पहले आप लोग का अंदर का माहौल दिखाती हूँ। ये देखिए वजू खाने का मंजर, अभी 8 बजे का ये है, अभी अजान होने में 20 मिनट है तो अभी अजान के वक्त पूरा ये भर जाएगा। अभी तो भीड़ भाड़ जो है कम दिख रही है यहाँ पे। और भीड़ भाड़ कम होने की वजह ये भी है कि अभी बारिश का माहौल है अजमेर शरीफ में, 2 दिनों से जो है बारिश हो ही रही है। अभी इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है लेकिन कंटिन्यू जो बारिश का माहौल बिल्कुल बना हुआ है, तो इस वजह से भी दरगाह शरीफ के अंदर जो है भीड़ भाड़ कम है। और ये देख सकते हैं मैं यहाँ महफिल खाना यहाँ पर ऊपर खड़ी हूँ और यहाँ से मैं आप लोग को ज़्यारत करवा रही हूँ। तो यहाँ से मैं चलती हूँ अंदर की तरफ में। और ये देखिए इस दरवाजे से मैं अंदर की तरफ में चल रही हूँ और चल कर देखते हैं अंदर का क्या माहौल है। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को जो है पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और अभी तक ब्लॉग को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप लोग, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं अंदर की तरफ में जो माहौल है बिल्कुल रौनक है काफ़ी दरगाह शरीफ के अंदर में। और बाहर से लग रहा था कि भीड़ भाड़ नहीं है आज लेकिन देख सकते हैं आप लोग अंदर का माहौल जो है बहुत ही खूबसूरत है। और ये बीवी साहिबा का मजार शरीफ है, गरीब नवाज की बीवी साहिबा का मजार शरीफ है, इसकी भी ज़्यारत मैं करवाऊंगी आप लोग को। सबसे पहले मैं आप लोग को इधर से ज़्यारत करवाते हुए चलती हूँ। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को जो है स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, पूरा देखिएगा आप लोग। मैं बिल्कुल आराम आराम से ज़्यारत करवा रही हूँ और देख सकते हैं आप लोग यहाँ से जो है मैं चल रही हूँ शाहजहानी मस्जिद के अंदर। और देखिए मैं शाहजहानी मस्जिद के अंदर आ गई हूँ और देख सकते हैं आप लोग शाहजहानी मस्जिद के अंदर का माहौल आज का कितना खूबसूरत है, बिल्कुल रौनक लग रही है आज। और रोज़ की जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो लाइट है ना इसके अंदर वो काफ़ी पहले से कुछ ज़्यादा लग रही है, रोशनी लग रही है। क्योंकि जब मैं
बनाती हैं ब्लॉग, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा अंदर में दिखता है, लेकिन आज बिल्कुल रोशनी लग रही है। और देख सकते हैं आप लोग अभी इधर का माहौल, यहाँ से जन्नती दरवाज़ा दिख रहा है, और देखिए यहाँ से 3 नंबर गेट की तरफ का माहौल भी दिख रहा है, और ये 4 नंबर गेट आप लोग को जो दिख रहा है ये 4 नंबर गेट है। और भी दिखाती हूँ मैं, अंदर की तरफ चल रही हूँ। और ये देखिए इधर से शाहजहानी मस्जिद जो है, अंदर भी जो दिख रहा है आप लोगों को पूरी मस्जिद है, और ये यहाँ पर तो लोग बैठते हैं और अंदर जो है नमाज पढ़ते हैं सब, और यहाँ पे भी नमाज होती है। अभी नमाज का टाइम होगा ना, तो यहाँ पे औरतें जितनी भी होंगी उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर नमाज होती है। ये शाहजहानी मस्जिद है और इसके कई गेट हैं, एक जो दरवाज़ा है इसके यहाँ से निकलने का है, तो ये देखिए जन्नती दरवाजे के सामने बिल्कुल निकलता है, और एक दरवाज़ा आगे है जो 3 नंबर गेट के पास में निकलता है, और ये जन्नती दरवाज़ा इसकी ज़ियारत भी कर लीजिए आप लोग, और सामने बिल्कुल गुंबद शरीफ भी नज़र आता है। और देखिए इधर में है, देखिए एक गेट जो यहाँ पे है 3 नंबर दरवाजे के पास में खुलता है, और ये 3 नंबर गेट के पास का माहौल देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे हाजिरी वाले जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं यहाँ पे, और अभी दरगाह शरीफ के अंदर में जो है काम चल रहा है, ये लाइट वगैरह सब रबीउल की तैयारी चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे सामने फूलों की दुकान है, ये मैं शाहजहानी मस्जिद के अंदर ही खड़ी हूँ, और वहाँ किनारे से ये मंज़र आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 2 नंबर गेट का भी माहौल दिख रहा है, और ये 3 नंबर गेट का मंज़र है, और देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ से आप लोगों को। देखिए यहाँ से गुंबद शरीफ जो है कितना अच्छा दिख रहा है, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ से गुंबद शरीफ जो है कितना खूबसूरत दिख रहा है। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ब्लॉग को जो है पूरा देखिएगा। अभी यहाँ के बाद मैं चलूँगी आप लोग को 1 नंबर गेट की ज्यारत करवाऊँगी। मैं थोड़ा सा आराम आराम से पूरा माहौल आप लोग को दिखाते हुए चल रही हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग को जो है आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और देखिए मैं इधर से आ गई हूँ 4 नंबर गेट के पास में, और इधर से मैं चलूँगी 1 नंबर गेट की तरफ, और यहाँ से मैं आप लोग को ये देखिए 4 नंबर गेट है बाहर निकलने का, और यहाँ पे देखिए धागा वगैरह लोग मन्नत का बांधते हैं। और ये मैं संदली मस्जिद से होते हुए 1 नंबर गेट की तरफ मैं चलूँगी, तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और देखिए मैं 1 नंबर गेट के पास में इधर से आ गई हूँ, और देख सकते हैं आप लोग 1 नंबर गेट के पास का क्या माहौल है। ये देखिए गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में जाने का जो है मेन दरवाज़ा है, और अजान की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, अभी ईशा की अजान हो रही है। और अभी इस टाइम पे जो भीड़ भाड़ है वो तो काफ़ी रहती है, लेकिन आज बारिश की वजह से है भीड़ भाड़ जो है वो कम है। तो चलिए मैं आप लोगों को सामने से ज़ियारत करवाती हूँ 1 नंबर गेट की। और ये देखिए सामने से आप लोग ज़ियारत कीजिए, और यहाँ पे आप लोग सलाम कर लीजिए और दुआ भी कर लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ से गरीब नवाज का मजार शरीफ है बिल्कुल सामने आप लोग को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दी हूँ, भीड़ भाड़ कम थी इसलिए। और यहाँ से मैं चलती हूँ आप लोग को और भी दिखाती हूँ आगे का मंजर क्या है, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को जो है पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरा जो अभी वॉच टाइम है मेरा चैनल का वो सिर्फ 1000 हुआ है, मुझे 4000 घंटा पूरा करना है, और ये मेरा 1 साल चैनल का जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मेरा थोड़ा सा हौसला भी बढ़े कि मेरा बनाने का दिल करे। और यहाँ से गुंबद शरीफ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। और ये देखिए मैं इधर आ गई बीबी साहिबा के मजार शरीफ के पास में, और संदली मस्जिद इधर है, ये देख रहे हैं जो आप लोग संदली मस्जिद है। और ये देखिए मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ, बाहर का मंजर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग को जो आप लोग हैं लास्ट तक देखिएगा। और ये देखिए वो जो खाना यहाँ से दिख रहा है, मैं इस गेट से गई थी और इधर से मैं आई हूँ, और ये देखिए आप लोग। और अभी मैं दरगाह शरीफ के अंदर जो है ना फ़र्श भी भीगा हुआ है, क्योंकि बारिश जो है ना वो रुक रुक के हो रही है, 2 दिनों से जो अजमेर शरीफ का माहौल है ना बिल्कुल बारिश का मौसम हुआ है। और ये देखिए मैं बुलंद दरवाजे की तरफ से ही बाहर से आई हूँ, लेकिन अभी मैं 2 नंबर गेट की तरफ से चलूँगी और इधर का भी आप लोगों को दिखाऊँगी 2 नंबर गेट का। और ये देखिए 2 नंबर गेट है इसका रास्ता यहाँ से, तो मैं इधर से भी बाहर निकलूँगी और बाहर का भी मंजर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये गेट जो है बाहर से कैसा दिखता है, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक के देखिएगा। तो चलिए मैं इधर से चलती हूँ।
और ये देखिए दो नंबर गेट का जो यही रास्ता है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, फूलों की दुकान भी है इधर में। और यहाँ पे आगे जो है चप्पल वगैरह रखने का इंतज़ाम भी है, यहाँ पे चप्पल भी जमा होता है, देख सकते हैं आप लोग। और ये दो नंबर गेट है, यहाँ पर ये निकलता है बाहर, ये देखिए दो नंबर गेट का, देख सकते हैं आप लोग कि इधर से ये रास्ता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग।